हर महिला और उनका परिवार रहे हमेशा खुशहाल। बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता है उसका मूल आधार। जब मिलेगा सबको सही पोषण, तब होगी तरक्की और जीवन रोशन। डे NRLM के अंतर्गत इस लक्ष्य को जमीन तक पहुंचा रही है पोषण सखी। पोषण सखी के लगातार प्रयास गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के जीवन को स्वस्थ बनाने एवं पोषण सुधारने में कारगर सिद्ध हो रही है। स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता पे जो भी चर्चाएं होती है उसे मैं दीदी लोगों के बीच बताती हूँ, जिसे कि दीदी लोगों में व्यापक असर पड़ता है और वो व्यवहार में अपनाने लगती है। महिलाओं में सरकारी सेवाओं की मांग बढ़ाना, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जानकारी, व्यवहार परिवर्तन, किशोरियों के बीच जागरूकता, मासिक धर्म स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, शौचालय का प्रयोग और हाथों को साफ रखना, पोषण सखी के माध्यम से ऐसे कई विषयों पर प्रभावी रूप से बल दिया जा रहा है और इन सभी कार्यक्रमों का लाभ गांव में महिलाओं और उनके परिवारों तक पहुंचे और व्यवहार परिवर्तन हो, इस बात को पोषण सखी के साथ सुनिश्चित करता है ग्राम संगठन द्वारा गठित स्वास्थ्य उप समिति। स्वास्थ्य उप समिति 5 स्तरों पर ग्रामीण परिवारों को स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता की जानकारी देकर जागरूकता बढ़ाने का काम कर रही है। पहला स्तर, पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर मासिक चर्चा का आयोजन। दूसरा स्तर, ग्राम स्वास्थ्य समिति द्वारा घरों का दौरा, मुख्य तौर पर गर्भवती महिलाओं और 2 वर्ष आयु तक के बच्चों के घर। तीसरा स्तर, सामुदायिक पोषण ड्राइव के तहत वीडियो शो और रैली। चौथा स्तर, महिलाओं को सरकारी योजनाओं के लिए प्रोत्साहन। पांचवा स्तर, घरेलू खाद्य विविधता में सुधार के लिए गतिविधियां। मैं जब तीसरी तिमाही की गर्भवती दीदी के घर गई तो मैंने उनको सलाह दिया कि दीदी आप 10 में से कम 5 खाद्य समूह प्रत्येक दिन खाइए, जिससे आपका जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हो। अपने प्रयासों द्वारा पोषण सखी एक बेहतर, स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त समाज से नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रही है। स्वच्छता में कायम हो रही है नई मिसाल, स्वास्थ्य में बेहतरी हो रही है बेमिसाल, सशक्तिकरण से चेहरे हो रहे हैं खुशहाल।